हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनम फैशन। बोटनेक ब्लाउज डिजाइन बनाएंगे। ब्लाउज के बैक पार्ट की लंबाई ली है 14 इंच, शोल्डर 6.5 इंच, आर्म होल 6.5 इंच, सीना 10 इंच एंड कमर के लिए 9.5 इंच लिया है। ब्लाउज का साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। गले की मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई रखेंगे हम यहाँ पर बोटनेक के अकॉर्डिंग 3 इंच। गले की लंबाई के लिए 10.5 इंच पर निशान लगाया है। नीचे की तरफ से भी गले की चौड़ाई अभी हम 3 इंच रखेंगे। इसके बाद एक निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ से 3 इंच पर और इसे बोटनेक का शेप दे देंगे। अब देखिए, इसी निशान से नीचे हमें एक निशान लगाना है 2 इंच पर और इसे हमें नीचे की तरफ हार्ट का शेप देना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हम इसे शेप दे देंगे। गले की मार्किंग हो चुकी है, इसी मार्किंग पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसे साइड में करेंगे। इसके बाद हम रखेंगे सबसे पहले मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक के ऊपर हमें अस्तर को रखना है अच्छे से सेट करते हुए और इसे पिन लगाकर सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद देखिए, हमें नीचे की तरफ जो हमने डिजाइन बनाया है उसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हम एक पैर या 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लगाएंगे। इसके बाद अंदर का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट करके निकाल देना है। छोटे छोटे से कट लगाएंगे। कट लगाते टाइम हमें याद रखना है कि सिलाई वाला धागा हमारा नहीं कटना चाहिए। इसके बाद देखिए, हमें अस्तर को अंदर की तरफ पलट देना है। इससे हमारा मेन फैब्रिक ऊपर की ओर आ जाएगा और अस्तर नीचे चला जाएगा। इसे अच्छे से सेट कर लेंगे जो डिजाइन हमने बनाई है। अब इसके ऊपर हमें एक सिलाई और लगानी है फिनिशिंग के लिए। सिलाई हम बिल्कुल किनारे लगाएंगे। इसे अच्छे से सेट करते जाएंगे ताकि अस्तर हमारा ऊपर की तरफ ना दिखे और गले के किनारे हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए, इसे हमें उल्टा करना है और उल्टा करके हम इसकी ऑलराउंडर स्टिचिंग कर लेंगे। अस्तर एंड मेन फैब्रिक को अच्छे से कवर करते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ से। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा मेन फैब्रिक का उसे कट करके निकाल देंगे। ऊपर की साइड गले का भी मेन फैब्रिक का कपड़ा है जो एक्स्ट्रा, उसे कट करके निकाल देना है। इसे सीधा करके रखेंगे और गले को कंप्लीट करेंगे। तो गला कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये और एक पट्टी ली है डबल फोल्ड करके और हम गले के किनारे रखते हुए इसमें एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पाइपिंग भी लगा सकते हैं। एक सिलाई लगाने के बाद पट्टी को देखिए हम पलटेंगे अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से और दूसरी सिलाई पट्टी पर लगा देंगे। अब इस पट्टी को हमें अंदर की तरफ पलटना है बिल्कुल और एक सिलाई हम इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए लगा लेंगे। गला बन के कम्प्लीट हो चुका है। अब लगाएंगे हम इसमें कमर पट्टी। कमर पट्टी लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 इंच चौड़ी अस्तर की पट्टी ली है। पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और इसमें एक साइड से सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद पट्टी को पलटेंगे, दूसरी सिलाई हम पट्टी के ऊपर लगाएंगे। इसके बाद हमें पट्टी को अंदर की तरफ पलटते हुए इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेनी है। तो हमारी कमर पट्टी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब लगाएंगे हम इसमें बैक टक्स के लिए निशान, जो कि हमें बीचों बीच सेंटर से दोनों साइड 4.5 इंच पर लगाना है। बैक टक्स की लंबाई हम ऊपर की तरफ 4 इंच रखेंगे। आप चाहें तो 4.5 इंच भी रख सकते हैं बैक टक्स की लंबाई। इसी निशान से पलटते हुए हम इस पर बैक टक्स की सिलाई लगा लेंगे।
सेम इसी तरीके से हमें दूसरे बैक टक्स की सिलाई लगा लेनी है। इसे साइड में करेंगे। डिजाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है कट करके। पट्टी को दोनों तरफ से पलटते हुए एक बार और पलटेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हम बिल्कुल किनारे पर लगाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद देखिए हमें पट्टी के दूसरे किनारे पर भी सिलाई लगा लेनी है। अब इस पट्टी में से हमें लगभग 9-9 इंच के पीसेस कट कर लेने हैं। 4 पट्टियां रेडी करनी है हमें यहाँ पर। ये देखिए 4 पट्टी कंप्लीट कर ली हैं, इन्हें साइड में करेंगे। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर ये कुछ फैब्रिक के पीसेस लिए हैं, इनकी लंबाई और चौड़ाई रखी है हमने 3 बाय 3 इंच, 3 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई। इन्हें ट्रायंगल्स का शेप देंगे पलटते हुए। इसके बाद देखिए हमें सुई धागा लेकर इन्हें सिलना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें सिलना है। सिलाई हम यहाँ पर बिल्कुल छोटी छोटी सी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें 6 पीस को लेना है, ट्रायंगल शेप बनाना है। इसके बाद देखिए ट्रायंगल में हमें नीचे की तरफ से छोटी छोटी सी सिलाई लगानी है। धागा हम थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 ट्रायंगल्स को इसमें डाल दिया है। धागा को खींचेंगे हल्के हाथों से तो ये कुछ इस तरीके से फ्लावर के शेप में आ जाएगा। और अब हम इसको अच्छे से टक कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक सो बटन ली है और अब इस सो बटन को हम फ्लावर के बीचों बीच टक कर लेंगे। देख सकते हैं फ्लावर हमारा बनके कंप्लीट हो चुका है। इन्हें साइड में करेंगे, ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज में देखिए हमें पट्टियों को इस तरीके से रखना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम चारों पट्टियों को अच्छे से सेट करते हुए रख देंगे। तो यहाँ पर हमने चारों पट्टियों को यहाँ पर किस किस तरीके से रख दिया है और इसे पिन लगाकर अच्छे से सिक्योर कर लिया है। अब हम इन पट्टियों के ऊपर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। मैंने यहाँ पर लेस नहीं लगाई है, आप चाहें तो इसमें लेस भी लगा सकते हैं। लेस से इसका लुक और भी अच्छा आएगा खिल के। इसके बाद जो हमने फ्लावर बनाया था, फ्लावर को देखिए हमें यहाँ पर रख देना है इन पट्टियों के बीचों बीच सेंटर में। इसी के साथ हमारा ब्लाउज का डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब।